जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए 6 अगस्त गुरुवार का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और शतभिक्षा नक्षत्र यानी कि 6 अगस्त 2020 दिन गुरुवार। इस समय सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में पूरा दिन संचार करेगा। ऐसे में आज का दिन आपका कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। आज हम बात करेंगे आपकी फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस और व्यापार के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, जॉब के लिए और अंत में बात करेंगे उपाय की और साथ में बात करेंगे शुभ समय और शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, राहु काल में किसी भी शुभ काम की शुरुआत भूलकर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो काम आपके पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। इस समय फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी फैमिली को लेकर उत्पन्न नहीं होने जा रही है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो आज का दिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, तो आज के दिन आपके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ बेहतर देखने को मिल रहा है। इस समय आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग देखने को मिल रहा है। आज के दिन आप दोनों के बीच के संबंध बहुत ही बेहतर रहेंगे, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में, तो आज का दिन आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। आज के दिन आपके कामों में, आपकी जरूरतों में आपका पार्टनर सहयोग करने जा रहा है, तो आपकी लव लाइफ को लेकर आज का दिन बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। तो आपकी शिक्षा को लेकर आज का दिन कैसा रहने वाला है, तो आज का दिन आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर दिन कहा जा सकता है क्योंकि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और आप अपने टारगेट को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए आज का दिन शिक्षा को लेकर बेहतर कहा जा सकता है। आज के दिन आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आज के दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर समय बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीजों को अपने जीवन में जरूर शामिल करें जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। बात करें आपके बिजनेस और व्यापार के बारे में, तो आज का दिन आपके बिजनेस और व्यापार के लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है, बहुत ही उत्तम दिन कहा जा सकता है। आज के दिन आपको बिजनेस और व्यापार में लाभ होने जा रहा है। आज के दिन आप अधिक मुनाफा और फायदे मिलने से बहुत ही प्रसन्न हो सकते हैं। साथ ही आज के दिन आपको उन कामों में सफलता प्राप्त होने जा रही है जो पहले पूरे नहीं हो पा रहे थे, और साथ ही साथ इस समय आपके टारगेट भी पूरे हो सकते हैं। तो आज का दिन आपके बिजनेस और व्यापार को लेकर बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। बात करें आपकी जॉब की, तो आज के दिन उन लोगों के लिए सबसे बेहतर दिन कहा जा सकता है जो बहुत ही राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज के दिन उनकी मान प्रतिष्ठा में और यश बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है। आप इस समय लोगों के बीच में बहुत ही फेमस हो सकते हैं और साथ ही साथ जॉब करने वालों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आज के दिन आपको जॉब से संबंधित बाहरी यात्रा करनी पड़ सकती है और उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको पुराने मित्रों से सहयोग प्राप्त होने से आपको लाभ हो सकता है, इसलिए आज का दिन जॉब के लिए भी बेहतर रहने वाला है। बात करें आपकी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, आज के दिन फाइनेंशियल स्थिति के लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। इस दिन आपकी फाइनेंशियल स्थिति में बहुत ही तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। आज के दिन आर्थिक रूप से बहुत ही बेहतर दिन कहा जा सकता है, सफलता से भरा हुआ दिन कहा जा सकता है। बात करें उपाय की, तो आज आप मंदिर में नारियल दान करें, इससे आपको अपने कामों में सफलता प्राप्त होगी। बात करें शुभ मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त 12:06 से शुरू होकर 12:58 तक रहने वाला है। ऐसे में किसी भी शुभ काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। वहीं बात करें राहु काल की, तो दोपहर के 2:09 से 3:47 के बीच राहु काल रहने वाला है। ऐसे में किसी भी शुभ काम की शुरुआत भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, जाना आपने सिंह राशि वालों के लिए 6 अगस्त गुरुवार का दिन कैसा रहने वाला है।